So good afternoon and welcome back to the session. I welcome you all to the YouTube session and YouTube channel of UGC NET JRF at Byju's Exam Prep. This is Toshiba Shukla, your paper 1 faculty at Byju's. So quickly keep on joining. Let me know voice, video, PPT, everything is fine. Jaldi se aa jaiye, mujhe bata dijiyega. Awaaz acche se aa rahi hai, aapko dikh raha hai. और आपको सारा पीपीटी भी प्रॉपरली विजिबल है अलॉन्ग विथ माई वीडियो. सो टूडेज क्लास इज इम्पोर्टेंट बिकॉज हम डिस्कस करेंगे 2021 के क्वेश्चंस. सो जो पिछले साल एग्जाम हुआ था, लास्ट एग्जाम आपका हुआ था, लेट्स डिस्कस ओनली लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस फ्रॉम 2021 एग्जामिनेशन. कि कैसे क्वेश्चंस आए थे, क्या डिफिकल्टी लेवल था, क्या हमसे बनेंगे कि वो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, हम कर पा रहे हैं कि नहीं. बिकॉज यू नो पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोर सो व्हेन द पीवाईक्यूज आर ऑफ रीसेंट ईयर्स, राइट. सो ये तो एकदम लास्ट ईयर का पीवाईक्यू है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. जल्दी से आ जाओ, लेट मी सी हु ऑल आर हेयर. हाय शांतनु, हाय शिवांगी, हाय शबाना, हेलो ज्योति, अतुल, फातिमा, मुकुल. यस, सो वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरी वन. आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं. एंड हम आशा करते हैं बायजूस एग्जाम प्रेप की तरफ से और स्पेशली अब मैं अपनी तरफ से कि आपके जिंदगी में, जीवन में जो भी संकट है, जो भी विघ्न है, वो सब हर लें गणपति बब्बा और सारी की सारी डिफिकल्टीज भी चले जाएं. अगर थोड़ा बहुत कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं किसी चीज के लिए तो वो भी चले जाए. एंड लॉर्ड गणपति ब्लेसेस ऑल ऑफ यू एंड इन फैक्ट योर एंटायर फैमिली, राइट. सो वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी एवरी वन एंड गुड आफ्टरनून. जल्दी से आते जाओ एंड क्विकली ज्वाइन मी. एज you know the classes I take on YouTube are on Monday and Wednesday. आज क्या है, बुधवार 12 बजे हमारी क्लास होती है. वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट फॉरगेट दिस टाइम. इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्लास होती है, सेशन होता है तो हम आपको बता देते हैं. ये टेलीग्राम ग्रुप है कॉमन, पेपर वन बाय तोशिबा क्वेश्चन मैम एंड निशान सर. ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है. पर्सनल मतलब रिगार्डिंग माई सब्जेक्ट, सम मोटिवेशन, सम चिट चैट. अगर आपको मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना है तो आप इस पे भी हो सकते हैं. लाइक करिएगा क्लास को प्लीज. अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर लेना एंड उसके बाद शेयर भी जरूर कर देना. इफ यू हैव सम फ्रेंड्स, अगर आपको शेयरिंग इज केयरिंग लगता है तो डू शेयर द सेशन एज वेल, राइट. सो आई होप आई एम ऑडिबल प्रॉपरली. यस यस, वेरी नाइस वेरी नाइस. आई एम, थैंक यू निहारिका, थैंक यू सो मच. आप भी बहुत क्यूट हो. यस, सो जल्दी से आ जाओ. कोट की जगह आज हम थोड़ा सा ब्लेसिंग्स लेके शुरू करते हैं, राइट. बिकॉज सिंस इट्स गणेश चतुर्थी, मे द मेंटर, प्रोटेक्टर एंड रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स एनलाइटन योर लाइफ, राइट. सो दैट्स द ओनली ब्लेसिंग एंड विश आई एम एक्चुअली हैविंग फॉर यू टुडे. कि जो हमारे मेंटोर हैं, राइट, वो एक तरीके से मेंटोर हैं, प्रोटेक्टर हैं एंड रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स एनलाइटन योर लाइफ एंड एवरी वंस लाइफ. तो ताकि सबकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए, फुलफिलिंग हो जाए और हम सबको सक्सेस के साथ साथ हम सब खुश रहे. बिकॉज हमेशा याद रखना, खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. सक्सेस इज इंपॉर्टेंट बट सक्सेस विल मीन नथिंग इफ यू आर नॉट हैप्पी. बट इफ यू आर हैप्पी यू आर सक्सेसफुल. तो अल्टीमेट जो हमारा एम होना चाहिए लाइफ में, वो होना चाहिए हम कैसे खुश रहे, है ना. अंदर से खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. चलो यस, तो गणपति बप्पा मोरिया करके शुरू करते हैं क्लास को. आज क्वेश्चंस रहेंगे हिंदी इंग्लिश में. ये सारे पीवाईक्यूज हैं, सो ऐसा नहीं है इनको मैं लेकर आ रही हूँ या मैंने बनाया है. जो 2021 में यूजीसी ने पूछा है, आई विल बी आस्किंग यू दोज क्वेश्चन वर्बैटिम, राइट. ओके, लेट्स मूव क्विकली विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम. बट बिफोर दैट वन अनाउंसमेंट, एक मेगा वर्कशॉप होने वाली है अगेन ऑन 2nd of September. सो आने वाले हफ्ते में 8 बजे होगी ये वर्कशॉप. प्लीज अगर रजिस्टर नहीं किया तो रजिस्टर कर लो. द टॉपिक फॉर द वर्कशॉप विल बी लर्न द बेस्ट ट्रिक टू कवर रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड. सो इसमें हम आपको बताएंगे कि आप टीचिंग और रिसर्च के लिए कैसे कवर कर सकते हो, व्हाट आर द ट्रिक्स दैट यू कैन एक्चुअली फॉलो. सो डू ज्वाइन ऑन 2nd of September, राइट. चलो, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज दिस. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाण्स आर एक्सेप्टेड बाय द न्याय स्कूल. न्याय स्कूल कौन से प्रमाण को एक्सेप्ट करता है. हमने सारे प्रमाण और सारे स्कूल्स का उनसे ये पढ़ा हुआ है ऑलरेडी क्लासरूम में कि कौन सा स्कूल कौन सा प्रमाण एक्सेप्ट करता है.
कोई पांच करता है, कोई छह करता है, कोई चार करता है, कोई तीन करता है, कोई दो ही करता है, कोई एक ही करता है, आपको सब पता है, ठीक है। सो न्याय का मुझे जल्दी से बता दो, दिस इज इन इंग्लिश, आई विल बी शोइंग यू हिंदी एज वेल। यस, सो दिस इज इन हिंदी, लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा सा टफ है, इसलिए मेक श्योर आप PYQs तो प्रॉपर करके जाएं, इससे बहुत एक आइडिया लगता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। दैट्स व्हाई दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट यू आर अवेयर ऑफ द डिफरेंट क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड। ओके, सो ए बी सी डी लग रहा है आपको, ई e नहीं लग रहा, अर्थ पटी नहीं लग रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। न्याय स्कूल चार प्रमाण को मानता है, ठीक है, जिसको मैंने एक शॉर्ट फॉर्म दिया था पॉस, ठीक है, पॉस मतलब मराठी में हम पॉस को बारिश भी बोलते हैं, तो मैंने बोला था जब बारिश हो जाती है तो न्याय हो जाता है ना, हम बारिश का वेट कर रहे हैं, नहीं हो रही नहीं हो रही, और फिर बारिश हो जाती है तो न्याय हो जाता है। सो पॉस से याद रखेंगे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, है ना। और इसी के साथ साथ आपको पता है छह स्कूल हैं फिलोसफी में, आस्तिक और नास्तिक। कुछ स्कूल्स हैं जो कि सिर्फ दो प्रमाण मानते हैं, कौन से हैं वो दो प्रमाण, दो स्कूल्स जो सिर्फ दो मानते हैं प्रमाण को, वो है BV2। मैंने आपको इसकी भी ट्रिक बताई थी, व्हाट वाज द ट्रिक, कि बीवी हाँ बीवी दो नहीं होनी चाहिए, है ना, बीवी तो एक ही होनी चाहिए, बिल्कुल। सो BV2 मतलब बुद्धिज्म और वैशिष्क दो प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। ऐसे करके मैंने आपको काफी सारी ट्रिक्स बताई है, पॉस 4 BV2। और जो आपका चरवाक स्कूल है, चरवाक चरवाक कौन सा स्कूल होता है, एवरी वन आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट, ठीक है, पार्टिसिपेट करो बराबर, जो मैं पूछ रही हूँ मुझे उसका आंसर दो। चरवाक स्कूल को हम लोकायत स्कूल भी बोलते हैं, है ना, लोकायत स्कूल भी बोलते हैं। ये स्कूल होता है स्कूल ऑफ मटेरियलिज्म, भौतिकवाद का स्कूल है। ये सिर्फ एक कितने प्रमाण को मानता है, चरवाक स्कूल कितने प्रमाण को मानता है, क्विकली एवरी वन, वेरी नाइस, ये सिर्फ एक प्रमाण को मानता है, सिर्फ प्रत्यक्ष। मतलब उनके हिसाब से जो ऋषि बृहस्पति हैं वो बोलते हैं अगर आपको प्लेजर का अनुभव करना है, मटेरियलिज्म, अगर आपका आपसे फ्रेंड बोलेगा कि मैं अभी थाईलैंड घूमकर आया हूँ, तो आप क्या उस चीज का अनुमान लगा सकते हो कि थाईलैंड कैसा होगा, आई मीन लगा तो सकते हो, बट तब तक आपको सही नॉलेज नहीं मिलेगा कि थाईलैंड बहुत अच्छा था, जब तक आप खुद ना जाओ थाईलैंड घूमने, है ना। सो आपको खुद जाना पड़ेगा, आपको खुद प्रत्यक्ष रूप से उस चीज का नॉलेज लेना पड़ेगा। सो चरवाक इज वन, बीवी इज टू, देन यू हैव थ्री। थ्री कौन सा है, वॉट एग्जैक्टली आर द स्कूल्स दैट फॉलो ओनली थ्री प्रमाण, इसको हम बोलते हैं जिस थ्री, जिस थ्री, जिस थ्री मतलब मैंने आपको इसकी एक और ट्रिक बताई थी, जिसके पास, जिसके पास थ्री, जिसके पास मतलब जिस क्या है, जैनिज्म, योग और व्हाट इज एस, व्हाट इज एस, सांख्य स्कूल, जैनिज्म, योग एंड सांख्य एक्सेप्ट थ्री, थ्री जिसके पास मतलब पास इज व्हाट, जैसे न्याय में पाउस था तो यहाँ पे यू नहीं है, बाकी तीन पास हैं, पास मतलब प्रत्यक्ष, अनुमान और सांख्य और शब्द, ठीक है। सो जिसके पास, जिस थ्री, क्लियर, एनी डाउट। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यू हैव चरवाक एज वन, यू हैव BV2, यू हैव जिस थ्री, यू हैव न्याय फोर, एंड द रिमेनिंग 5 and 6 आर ऑफ योर उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, ठीक है। आई होप यू विल नॉट फॉरगेट इट, आई टोल्ड यू दिस इन डिटेल एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, आपको फैलसी बतानी है कि इसमें कौन सी फैलसी कमिट हुई है। Some spaniels are not good hunters. All spaniels are gentle dogs. Therefore, no gentle dog are good hunter. Fallacy of exclusive premise, illicit major, illicit minor, या fallacy of four terms. देखो generally three terms होती हैं, तो fallacy of four terms. बताओ. Quickly tell me the answer for this question. यस, सो ये क्वेश्चन आई होप आपने शायद पहले भी कहीं ना कहीं सुना होगा। राइट राइट, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, मिस्टर
मेजर टर्म माइनर टर्म से मतलब समझते हो क्या होता है? अगर हम बात करें एक आर्गुमेंट में प्रिमाइस वन, प्रिमाइस टू और कंक्लूजन होता है, ठीक है। किसी भी आर्गुमेंट में तीन टर्म्स होते हैं, एक है मेजर, एक है माइनर, ठीक है, और एक है मिडिल टर्म। अब इनकी दोनों की फैलसी होती है, एक होती है फैलसी ऑफ मेजर इलिसिट मेजर, एक होती है फैलसी ऑफ इलिसिट माइनर। इसमें डिपेंड करता है, एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज यस सी, इट्स नॉट बी, इट इज फैलसी ऑफ इलिसिट माइनर। देखो माइनर टर्म, मेजर टर्म, मिडिल टर्म, तीन टर्म्स होते हैं, ये कहाँ पे है? अगर हमको पता करना है कि माइनर और मेजर टर्म कहाँ, इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट विच इज द माइनर एंड द मेजर टर्म, वॉट यू डू, यू टेक द कंक्लूजन एंड यू डिवाइड द कंक्लूजन इंटू टू पार्ट। आप कंक्लूजन को दो भाग में डिवाइड करते हो, पहले भाग में माइनर टर्म होता है, दूसरे भाग में मेजर टर्म होता है। कंक्लूजन में मिडिल टर्म नहीं होता, तो यहाँ पे मिडिल टर्म कौन सा है? जेंटल डॉग्स हंटर्स तो है पर स्पैनियल्स नहीं है, तो ये आपका मिडिल टर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे इलिसिट माइनर मतलब, जब हम माइनर की फैलसी बोलते हैं तो इसका मतलब होता है ये कंक्लूजन में तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट ये आपका प्रिमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, ऑल प्लैनेट्स आर राउंड, चलो छोड़ दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, ऑल इंडियंस आर स्मार्ट, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट ये है, प्रेडिकेट ये है। डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोल रही हूँ सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब होता है किसी एक क्लास का, इसमें क्लास कौन सी है? इंडियन। इस क्लास के सारे मेंबर्स इसमें आ रहे हैं, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर इस क्लास के सारे मेंबर्स नहीं आ रहे हैं तो हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं। सो इफ आई से ऑल इंडियंस आर स्मार्ट, सो सारे के सारे इंडियंस स्मार्ट हैं, तो मैं बोलूंगी ना ऑल इंडियंस आर स्मार्ट, मतलब सारे के सारे इंडियंस, ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लास इंडियन आर देयर इन स्मार्ट। यस, बिल्कुल सही बात है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। उल्टा देखते हैं, क्या मैं बोल सकती हूँ ऑल स्मार्ट पीपल आर इंडियंस? नहीं, जरूरी तो नहीं है। हाँ, कुछ स्मार्ट पीपल इंडियंस हैं, बट कुछ अमेरिकन हो सकते हैं, कुछ रशियंस हो सकते हैं, है ना। सो यहाँ पे स्मार्ट इंडियंस में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड। सो कल को एक क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आएगा वेयर दे आस्क यू विच सब्जेक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रेडिकेट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पे जो माइनर टर्म है जेंटल डॉग्स, वॉट इज अ माइनर टर्म? हेयर यू कैन सी जेंटल डॉग्स एंड गुड हंटर्स। कंक्लूजन को डिवाइड करो, पहला पार्ट माइनर, दूसरा मेजर। माइनर टर्म जेंटल डॉग है, तो जो जेंटल डॉग है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है इसके प्रिमाइस में, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है प्रिमाइस में और डिस्ट्रीब्यूटेड है कंक्लूजन में, ठीक है। आया? हाँ, चलो, वेरी नाइस। अब आपको ये याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैलसी है और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये डिस्ट्रीब्यूटर और अनडिस्ट्रीब्यूटर। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फैलसी कमिटेड इन द आर्ग्यूमेंट, ठीक है। सिंस ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल्स द ह्यूमन रेस मस्ट समडे कम टू एन एंड। ये सारे मैंने 2021 के ही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपसे पिछले साल पूछे गए थे। फैलसी ऑफ एम्फिबोली कॉम्पोजिशन, फैलसी ऑफ डिविजन या फैलसी ऑफ कॉन्वर्स एक्सीडेंट। यस, थर्ड क्वेश्चन, आई एज्यूम ऐसा लग रहा है कि अभी भी लॉजिकल रीजनिंग से बहुत लोगों को डर लगता है और कुछ लोग सोचते हैं लॉजिकल रीजनिंग को छोड़ के चले जाते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, इतना टफ क्यों करें, कुछ आसान कर लेंगे। तो आप ये बहुत गलती कर रहे हो, बिकॉज एक एक क्वेश्चन मैटर करता है आपके जेआरएफ में और लॉजिकल रीजनिंग से काफी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इस पे कमांड नहीं करके जाओगे तो आपका पेपर छूट जाएगा, आप नहीं इतना स्कोर कर पाओगे। यस, द आंसर, क्विकली जल्दी से आंसर दो, व्हाई यू गाइज आर सो स्लो टुडे? जाओ थोड़े लड्डू वड्डू खाकर आ जाओ, एनर्जी लेकर आ जाओ, राइट। आज तो गणपति बप्पा को चढ़ाओगे लड्डू, व्हाई यू आर सो लेजी टुडे?
यस द आंसर इज कॉम्पोजिशन. कॉम्पोजिशन मतलब क्या होता है? कॉम्पोजिशन और डिविजन है ना, दो फैलसीज हैं, एक है कॉम्पोजिशन एक है डिविजन. कॉम्पोजिशन फैलसी इज दैट फैलसी, अगर कोई चीज किसी पार्ट के लिए सही है तो वो जरूरी नहीं सबके लिए सही हो. ठीक है, अगर मैंने बोला कि माई आई एम वेयरिंग अ टॉप एंड अ पैंट, ठीक है, मैं एक पैंट पहनी हूँ और एक टॉप पहनी हूँ, मैंने बोला मेरा टॉप बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छा अच्छा है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि मेरा पूरा कॉस्ट्यूम बहुत अच्छा है? हो सकता है मेरा पैंट बहुत अच्छा नहीं हो सकता है मेरी मेरा जीन्स है वो बहुत ज्यादा फिटिंग में मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा हो. तो अगर कोई चीज पार्ट के लिए सही है जरूरी नहीं वो पूरे होल के लिए भी सही हो. वैसे ही ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल. ह्यूमन क्या है? मर जाते हैं, नश्वर हैं, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर ह्यूमंस मरते हैं तो पूरा का पूरा ह्यूमन रेस भी खत्म हो जाएगा कभी ना कभी. राइट, दिस इज नॉट ट्रू. पार्ट्स के लिए जो चीज सही है जरूरी नहीं सबके लिए हो. डिविजन मतलब जो चीज पूरे के लिए सही हो वो जरूरी नहीं उसके पार्ट के लिए भी सही हो. ठीक है, इफ आई से ऑल इंडियंस आर ऑनेस्ट, ऑलमोस्ट ऑल इंडियंस आर ऑनेस्ट, सो इसका मतलब ये नहीं कि एक आज कुछ ऐसा एक्सेप्शन नहीं होगा जो शायद ऑनेस्ट ना हो. गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैलसी, कॉम्पोजिशन एंड डिविजन. एम्फीबोली क्या होता है? एम्फीबोली मतलब जब हम एक चीज से कोई दो तीन चीजें समझ सकते हैं. कोई ऐसा वर्ड है जो कि वहां पे एम्बिगुअस हो, एम्बिगुअस हो, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हो, जिससे एक की जगह हम दो तीन चीजों को समझ पाते हैं, अनक्लियर होता है जो मतलब, उसको हम एम्फीबोली भी बोलते हैं. क्लियर? एनी डाउट एनीवन? राइट, आई होप इट्स क्लियर एंड नाउ यू गॉट द मेन थिंग. कॉन्वर्स एक्सीडेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, स्टैटिस्टिकल सिलोजिज्म का होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, विक्टिम टू द कॉन्वर्स एक्सीडेंट इज अ रिवर्स एक्सीडेंट. मतलब जो हमारा एक्सेप्शन है, जो रूल है, वो सिर्फ एक्सेप्शनल केस पे अप्लाई हो रहा है, सब पे अप्लाई नहीं हो रहा. क्लियर? क्लियर. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन एसर्शन और रीजन का है. अकॉर्डिंग टू द न्याय सिस्टम द आर्ग्यूमेंट साउंड इज क्वालिटी बिकॉज इट इज विजिबल इज फेलिशियस. ठीक है, एक आपको स्टेटमेंट दिया है कि साउंड एक क्वालिटी है बिकॉज इट इज विजिबल इज फेलिशियस. रीजन दिया है इट कमिट्स द फैलसी ऑफ स्वरूप सिद्ध. स्वरूप सिद्ध की फैलसी यहाँ पे हो रही है, जल्दी बताओ. चलो ये भाषा का वाद विवाद हो गया हो, हिंदी इंग्लिश मराठी संस्कृत, मैं दोनों भाषाओं में समझा रही हूँ. आई कैन नॉट टोटली टीच इन इंग्लिश, आई कैन नॉट टोटली टीच इन हिंदी. मैं दोनों चीजों को रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको हिंदी भी समझ में नहीं आता अच्छे से, एंड बहुत से बच्चे ऐसे हैं दे डू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश. सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट थिंग. राइट, यस, द आंसर ये सिद्ध वाली फैलसी है जिसमें हम स्काई लोटस वाला एग्जाम्पल लेते हैं और ए और सी दोनों आंसर आ रहे हैं. चलो ठीक है, एक बार हिंदी में भी देख लो. न्याय प्रणाली के अनुसार ध्वनि एक गुण है क्योंकि यह दृश्यमान है, यह स्वरूप असिद्ध दोष है. ओके, सो मोस्ट ऑफ यू सेड इट सी, एंड ए भी आ रहा है आंसर. इसका आंसर ए है क्योंकि दोनों ही सही हैं. ठीक है, तो ये स्वरूप सिद्ध आर्ग्यूमेंट साउंड इज क्वालिटी बिकॉज इट इज विजिबल. देखो एक सिद्ध फैलसी होती है, सिद्ध या कहना चाहिए असिद्ध होता है जिसमें जो आपका मिडिल टर्म है. ठीक है, सो हेयर यू हैव दिस फैलसी, आई विल टेल यू वेयर इट इज, जस्ट वन सेकेंड. हाँ ये ठीक है, तो उसको हम सिद्ध फैलसी भी बोलते हैं और इसका एक और नाम है साध्य सम. तो अगर ये क्वेश्चन भी आए एग्जामिनेशन में तो आप कंफ्यूज मत होना. साध्य सम मतलब मिडिल टर्म जो है वो क्या है, वो प्रूवन नहीं है, इट्स अनप्रूवन. ठीक है, सो साध्य सम मींस मिडिल टर्म इज सिमिलर टू द साध्य. साध्य आप समझते हो, साध्य क्या है? सात को हम मेजर टर्म बोलते हैं.
तो जो मिडिल टर्म है वो मेजर टर्म जैसा है, इसको साध्य सम भी बोलते हैं। द मिडिल टर्म और साध्य इज व्हाट टू बी प्रूव्ड इन रिलेशन टू द माइनर पक्ष। तो हमको क्या करना है, हमें माइनर टर्म के रिस्पेक्ट में उसको प्रूफ करना है। तीन प्रकार की फैलसी होती है, आश्रय सिद्ध, स्वरूप सिद्ध और व्यक्तव्य सिद्ध। आश्रय सिद्ध मतलब वो उस पर डिपेंडेंट है, कोई उसका लोकल स्टैंडर्ड नहीं। जैसे मैंने बोला स्काई लोटस इज ब्यूटिफुल लाइक अ रियल लोटस, बट जो मेरा स्काई लोटस है उसका क्या एग्जिस्टेंस है ये प्रूवन नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगी, अनरियल माइनर है, तो ये आश्रय सिद्ध हो जाता है। स्वरूप सिद्ध क्या होता है, साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज विजिबल। अब ये जो विजिबल है, क्या साउंड आपको दिखता है, नहीं दिखता, ऑडिबल तो है पर विजिबल नहीं है। यहाँ पे हमने अज्यूम किया रॉन्गली, तो जिसको स्वरूप है वो ही रॉन्ग है, राइट। साउंड इज विजिबल बिकॉज साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज विजिबल, विजिबल यहाँ पे गलत है। हाँ ऑडिबल होता तो सही होता, तो ये स्वरूप सिद्ध है, ठीक है। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट फैलसीज हैं, अगर अभी समझ में नहीं आ रही तो उसको एक बार और अच्छे समझ लो, एग्जामिनेशन में पूछते हैं। आश्रय सिद्ध, स्वरूप सिद्ध और व्यक्तव्य सिद्ध। व्यक्तव्य सिद्ध होता है रिलेशनशिप, राइट। द रिलेशनशिप इज नॉट ऑलवेज, व्यक्ति जो आपने पढ़ा है, व्यक्ति क्या होता है, इट्स अ रिलेशन, राइट। सो मिडिल और मेजर टर्म का जो रिलेशन है वो हमेशा नहीं रहता, इट्स एक्चुअली कंडीशनल इन नेचर, क्लियर। सो दिस इज स्वरूप सिद्ध फैलसी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्टाइजिंग टेस्टिमोनियल्स आर फ्रीक्वेंट इंस्टेंसेस ऑफ द फैलसी। जो आपके एडवर्टाइजिंग टेस्टिमोनियल्स होते हैं ना, कि लक्स इज अ सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, बूस्ट ऑफ माय सक्सेस, बूस्ट इज अ सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, अगर आप ये चीज खरीद लेंगे तो आपको बहुत सक्सेस मिलेगा, आपका ये हो जाएगा, तो ये टेस्टिमोनियल्स हैं, राइट। तो ये क्या है, कौन सी फैलसी कमिट करते हैं, एड इग्नोरेंशियम, माइजरकोंडियम, एड पॉपुलम या एड वर्कंडियम। क्विकली, अपील टू अथॉरिटी, अपील टू पिटी, अपील टू इग्नोरेंस या पॉपुलर ओपिनियन। यस, वेरी नाइस, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इंडीड डी। सबको पता है जितने भी एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, हमने पढ़ा अथॉरिटी। कई बार हम बहुत ज्यादा अत्यधिक विश्वास कर लेते हैं कि अमिताभ बच्चन जी ने बोला है कि हमें वो वाला तेल यूज करना चाहिए, उससे हमारा हमेशा सरदर्द नहीं रहेगा, या करीना कपूर खान ने बोला है कि बोरोलिन बोरो प्लस लगाओ तो आप बहुत बढ़िया रहोगे। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं हम फैलसी कमिट करते हैं, इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, राइट, इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अ स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। आपको बताना है करेक्ट आंसर, बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपको स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का कॉन्सेप्ट आता है। इसके लिए स्क्वायर बनाओ और मुझे बताओ कौन सा सही रहेगा। चार पॉसिबिलिटीज दी हैं, अगर ए ट्रू है तो ओ फॉल्स होगा, ई फॉल्स है तो आई फॉल्स होगा, आई ट्रू है तो ई ट्रू होगा, ए फॉल्स है तो ई भी ट्रू होगा। यस, हाँ, जैसे विमल पान मसाला है ना, इलायची, प्रियंका चोपड़ा इलायची का ऐड करती हैं, सो ऐसे हमेशा सही नहीं रहता है, डर के आगे जीत हमेशा नहीं होती है, होती भी है एट टाइम्स। Yes, very nice. Today the strength is less. Maybe it's the students are celebrating Ganesh Chaturthi. They are busy. Kal Tij ki bhi puja thi. So maybe few students might be tired after the entire day. So in case you are not attending live, to please usko aap recorded dekh lena. Ye bahut important class hai PYQs ki. Yes, the answer for this question is A. है ना, तो अगर A true है तो O false है, बहुत simple question है, square बनाओ, ठीक है, A, E, O, I, ये वाले जो दोनों relation है ये contradictory होते हैं, contradictory, right, मतलब अगर ये सही है तो ये false होगा, अगर ये false है तो ये सही होगा। So अगर यहाँ पे A आपको true दिया है तो जो O है वो false होगा, ए अगर ट्रू दिया है तो जो ओ है वो फॉल्स होगा, बिल्कुल सही है, ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यस, लक्ष्य का सॉन्ग है एओ एओ, यस मैंने आपको याद कराया था, अभी तक तो आप सबको ये याद हो गया होगा। ये कॉन्ट्रडिक्टरी है, ये कॉन्ट्ररी है, इसको हम सब कॉन्ट्ररी बोलते हैं, और ये आपका सब ऑल्टरनेशन है, ये आपका सब ऑल्टरनेशन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोइंग सेल्फ, द नोइंग सेल्फ ऑब्जेक्ट्स थ्रू द इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ द इंद्रियाज।
एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ इंद्रियास, कि आपकी इंद्रियां हैं और आप इंद्रियों को यूज करके किसी के बारे में पता करते हो चीज के बारे में, तो वो किस प्रमाण से प्रूव होता है? अर्थपटी, अनुपलब्धि, उपमान या अनुमान? सेवेंथ क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दो. यस, वी आर देयर ऑन द सेवेंथ क्वेश्चन. वी विल सॉल्व अराउंड 20 क्वेश्चन, सो यू विल एक्चुअली बी नोइंग कि आपका स्टेटस लेवल क्या है when it comes to logical reasoning after this class. Okay, the answer for this question is yes. See, बहुत आसान question था, क्योंकि अनुमान आपका इंद्रियों के help से होता है. पहले आपको कोई चीज प्रत्यक्ष देखनी है, फिर आप अनुमान लगाते हो जो कि है based on previous knowledge, right? So जो आपकी इंद्रियां हैं या sense organ है, मान लीजिए आपने एक धुआं देखा, आपने धुआं देख के बोला कि यहाँ पे आग होगी, ठीक है. सो ये क्या है, आपकी इंद्रियां हैं, आप इंद्रियों को यूज करके आप प्रायर ऑब्जर्वेशन से नया ज्ञान लेते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सम वुमेन आर राइटर्स इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स आर करेक्ट? सम वुमेन आर राइटर, ये सही है, तो आपको बताना है इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट और सही हो सकते हैं. सम वुमेन आर राइटर, इसको भी आप स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से कर सकते हो जहां तक है, ठीक है. सो ए ई ओ आई बनाओ. Some women are writers, कैसा statement is particular affirmative. So where it will be coming, it will be I type of statement, right? Now you see what will be the correct statements. I have given you the hint as well. Yes, very nice. Please एक बार class को like कर दो, ठीक है. बहुत ही कम बच्चों ने like किया है, do like it. Okay. Yes, the answer for this question, the answer for this question is B भी आ रहा है, C भी आ रहा है. इसका पहले हिंदी देख लो. कुछ महिलाएं लेखिकाएं हैं, ये सत्य है, तो कौन सा सही होगा? Okay. The answer for this question is yes, C, very nice. So some women are writers, अगर ये सही है तो हम no women are writer बोल सकते हैं क्या? False है, ये बिल्कुल false होगा, है ना, क्योंकि हम already बोल रहे हैं some women are writer, तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि कोई भी women writer नहीं होगी? तो C वाला तो पक्के में रहेगा, ये हटा दो, ये हटा दो. अब some women are not writers is actually undetermined. So here also if you see this is an I type of statement. राइट, सो ऑल वुमेन आर राइटर्स, ये यहाँ पे आएगा ए टाइप ऑफ स्टेटमेंट. तो यू गो अप विथ फॉल्स एंड यू गो डाउन विथ ट्रू, राइट. सो यू गो डाउन विथ ट्रू एंड अप विथ फॉल्स, तो ये आपका ये भी गलत रहेगा, ये भी गलत रहेगा, सिर्फ सी और डी सही हो जाएगा. सम वुमेन आर राइटर एंड सम वुमेन आर नॉट राइटर, ये अनडिटरमाइंड रहेगा, क्योंकि ये दोनों ट्रू तो हो सकते हैं बट दोनों फॉल्स नहीं हो सकते, तो अनडिटरमाइंड है, ठीक है. हाँ, थैंक यू रश्मि, थैंक यू सो मच. सो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था, अगर आपको अच्छे से आता है. पर्टिकुलर ट्रू है तो यूनिवर्सल ट्रू है तो पर्टिकुलर ट्रू होगा ही होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए. द एग्जाम्पल उदाहरण इज अ स्पेशल फीचर ऑफ द न्याय सिलॉजिज्म एंड इट इलस्ट्रेट्स द ट्रूथ दैट अ यूनिवर्सल मेजर प्रमाइस इज द रिजल्ट ऑफ रियल इंडक्शन. मतलब उदाहरण जो है वो न्याय सिलॉजिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसमें हम बताते हैं कि यूनिवर्सल अगर ट्रूथ दैट द यूनिवर्सल मेजर प्रमाइस द रिजल्ट ऑफ रियल इंडक्शन, ये हमने इंड्यूस किया है. अगर ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो इसका यूनिवर्सल भी सही होगा. स्टेटमेंट टू, इंडक्शन इन न्याय कंसेप्शन ऑफ इंफ्रेंस इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कॉजेशन एंड इंडक्शन एंड डिडक्शन कैन नॉट रियली बी सेपरेटेड. सो अगर हम न्याय में हम इन्फ्रेंस लगाते हैं तो उसमें हम इंडक्शन और रिडक्शन को सेपरेट नहीं कर पाते, वो वेस्टर्न लॉजिक में होता है, न्याय में ऐसा नहीं होता और जनरली कॉज के कारण हम अंदाजा लगा पाते हैं. अब देखो एक्चुअल एग्जामिनेशंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, इतने डिटेल में क्वेश्चन आते हैं, राइट. यस, सो दिस इज इन हिंदी.
फाइन, यस द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए, दोनों सही है। ठीक है, उदाहरण क्या होता है? न्याय का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उदाहरण। ठीक है, उदाहरण मतलब एग्जाम्पल। अगर हम बोलते हैं कि कोई एक चीज यूनिवर्सल है तो उसका पर्टिकुलर केस भी सही होगा। अगर मैंने बोला हार्डवर्क से सक्सेस मिलता है, ठीक है, हार्डवर्क से सक्सेस मिलता है, तो एग्जाम्पल अगर आप यूजीसी नेट में हार्डवर्क करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा, तो ये भी सही होगा, राइट। सो एग्जाम्पल मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल मेजर प्रिमाइस का, जो, या इसको उल्टा भी ले सकते हैं, हम इंडक्शन करते हैं ना, डिडक्शन एंड इंडक्शन, व्हाट एग्जैक्टली आर दिस? यू हैव डीजीपी एंड यू हैव आईपीजी, तो उसमें क्या करते हैं, पर्टिकुलर से हम जनरल में जाते हैं। सो अगर मैंने बोला यूजीसी नेट में हार्डवर्क करोगे तो सक्सेस मिलेगा, नीट में हार्डवर्क करोगे तो सक्सेस मिलेगा, ठीक है, आप यूपीएससी में हार्डवर्क करोगे तो सक्सेस मिलेगा। तो ये मैंने पर्टिकुलर एग्जांपल्स लिए, और मैं जनरल कंक्लूजन में जा सकती हूँ कि जनरली आप जब भी हार्डवर्क करते हो एग्जामिनेशन में सक्सेस मिलता है। सो उदाहरण से मैं एक जनरल कंक्लूजन में गई, इंडक्शन किया मैंने, ठीक है। बट न्याय सिलॉजिज्म में हम एग्जैक्टली डिडक्शन और इंडक्शन को अलग नहीं कर सकते हैं, राइट। सो बेसिकली वी टेक उदाहरण, बट देर इज नथिंग स्पेसिफिकली लाइक डिडक्शन एंड इंडक्शन, ठीक है। यहाँ पे जनरली क्या होता है? कॉजेशन होता है और इफेक्ट होता है, क्लियर? यस। थ्योरी सेशन बिल्कुल थ्योरी सेशन लेकर आएंगे। आप लोग कोर्स ज्वाइन करिए, इसलिए हम आपसे बार बार बोलते हैं, क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, किसी से नहीं बनेंगे। लॉजिकल रीजनिंग के आधे बच्चे बीच में ही चले जाते हैं, उठ के उनको लगता है नहीं बन रहा है, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं अच्छे से थ्योरी, है ना। तो आपको मुश्किल होगी और तभी आप लोग पीछे छूट जाओगे बाकी बच्चों से जो कि थ्योरी पढ़ चुके हैं। सब कुछ थ्योरी हम यूट्यूब पे नहीं पढ़ा सकते हैं, एक लिमिटेशन है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइगर फेलाइन मैमल एनिमल, इसमें से आपको बताना है इंक्रीजिंग इंटेंशन है या डिक्रीजिंग एक्सटेंशन है, क्या है? इंटेंशन और एक्सटेंशन आपको पता होना चाहिए। फॉर दिस क्वेश्चन यू शुड बी नोइंग इंटेंशनल डेफिनेशन क्या होती है और एक्सटेंशनल डेफिनेशन क्या होती है। तो इसमें इंटेंशन इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, एक्सटेंशन इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, क्विकली। यस, और आपको ये क्वेश्चंस किसी बुक में नहीं मिलेंगे। आप किसी भी बड़े पब्लिशर की बुक पढ़ लो, आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, क्योंकि पैटर्न पूरा चेंज हो गया है पेपर वन का, राइट। देयर इज नो सिंगल बुक इन द मार्केट वेयर यू कैन गेट ऑल दीज पर्टिकुलर थिंग्स। सो यू हैव टू अटेंड क्लासेस, यू हैव टू स्टडी वेरी हार्ड इन दीज थिंग्स, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत डायनेमिक हो गए हैं अब। यस, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, सबने सही आंसर दिया। इंटेंशन और एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन मतलब मैं एक्सटेंड कर रही हूं, मैं डेफिनेशन को एक्सटेंड कर रही हूं। मैंने बोला प्लैनेट्स। अब प्लैनेट्स की एक्सटेंशन क्या है? अर्थ, मार्स, वीनस, सैटर्न, जुपिटर, ये मैंने एक्सटेंड कर दिया। ये मैंने क्या किया? उस क्लास के सारे इंस्टेंसेस को मैंने लिस्ट आउट कर दिया, ये एक्सटेंशन है। इंटेंशन क्या होता है? इंटेंशन इज एक्चुअली अ वेरी पर्टिकुलर डेफिनेशन, ठीक है। इसमें मैं बता रही हूं कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द इंटेंशन एंड एक्सटेंशन, राइट। सो इंटेंशनल इज एक्चुअली व्हाट? मैं इसमें नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन बता रही हूं। आई एम टेलिंग यू द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन किसी एक चीज की। जैसे मैंने बोला बैचलर, अब बैचलर का इंटेंशनल डेफिनेशन और एक्सटेंशनल डेफिनेशन क्या होगा? एक्सटेंशनल क्या होगा बैचलर का? मैंने अपने चार दोस्तों के नाम ले लिए जिनकी शादी नहीं हुई है, ये एक्सटेंशनल है। मैंने नाम दे दिया, लिस्ट आउट कर दिया, लिस्ट एक्सपैंड कर दी। इंटेंशनल क्या होगा? बैचलर होने के लिए आपके लिए नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन क्या है कि आप क्या, आपकी शादी नहीं हुई हो, यू आर अनमैरिड, राइट। सो दैट इज अ नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन। क्या प्रॉपर्टीज हैं ऑब्जेक्ट की, क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिससे वो बैचलर कहलाएगा? दैट इज यू शुड नॉट बी अ मैरिड मैन, यू शुड बी अ मैन एंड यू शुड नॉट बी अ मैरिड मैन। सो नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन, ठीक है। मैन इसलिए है क्योंकि अनमैरिड फीमेल को हम स्पिंस्टर बोलते हैं, उनको हम बैचलर नहीं बोलते, ठीक है, उनको हम स्पिंस्टर बोलते हैं। सो दैट्स अ डिफरेंस हेयर एक्सटेंशन एंड इंटेंशन में, ठीक है। आया समझ में?
यस, आई होप अभी आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। लॉजिकल रीजनिंग आराम आराम से पढ़ रहे हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ, सो इनफैक्ट इवन इफ 15 क्वेश्चंस भी हो जाएंगे दैट विल बी वर्थ बिकॉज वी आर स्टडिंग इट वेरी प्रॉपरली। ऑल एनिमल्स विथ सच एंड सच फीचर्स आर आइदर बाइसन और बफेलो। द एनिमल्स दिस एनिमल हैज दोज फीचर्स एंड इट इज नॉट अ बाइसन, देयरफॉर इट इज अ बफेलो। ये कैसा प्रमाण है? उपमान, शब्द, अर्थपटी, अनुमान। इन विशेषताओं के साथ सारे जानवर या तो गवल हैं या महिष हैं। इस जानवर के पास वो विशेषता है जिससे वो गवल नहीं है, मतलब वो महिष होगा। कंपेयर किया शब्द से सुना, अर्थपटी या अनुमान। ओके, यस, द आंसर इज उपमान। हमने कंपैरिजन किया, ये फीचर्स हैं, तो अगर ये फीचर्स होंगे, अगर ये फीचर्स हैं तो ये बायजूस एग्जाम प्रेप के स्टूडेंट हैं। अगर वो ऑनेस्ट, अगर वो रेगुलर हैं, वो आंसर दे पा रहे हैं, उनको उनका लॉजिकल रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है, उनका एनवायरमेंट बहुत स्ट्रांग है, तो वो बीईपी के स्टूडेंट हैं। मेरे पास तीन बच्चे आए, मैंने बोला अच्छा आपका लॉजिकल रीजनिंग अच्छा है, आपको एनवायरमेंट आता है, आपका ये है, अच्छा आप बायजूस एग्जाम प्रेप के स्टूडेंट लग रहे हो। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कंपेरिजन किया, मैंने उपमान किया, तो यहीं पे ये किया हुआ है कि क्या दिस इज उपमान, ठीक है। बढ़िया बढ़िया है। एल आर इज एक्चुअली टफ, यह आपको घुमा के रख देता है। फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सन्निधि, तात्पर्य, योग्यत, आकांक्षा, ये जो आपका शब्द प्रमाण है, शब्द ये उसके कंडीशंस होते हैं। सन्निधि, तात्पर्य क्या है, योग्यता क्या है और आकांक्षा क्या है, आपको सिर्फ मैच करना है। यस, वेरी नाइस। क्विकली गिव मी द आंसर फॉर दिस 12th क्वेश्चन। हाँ, और बायजूस एग्जाम प्रेप के बच्चों का लॉजिकल रीजनिंग बहुत स्ट्रांग होता है। हमने जो भी शॉर्ट फॉर्म्स दिए हैं वो हर जगह फेमस हो गए हैं, ठीक है, चाहे वो फोन हो, पाउज हो, ये सब हमारे बनाए हुए हैं, मैंने आपको दिए हैं। सो बच्चे एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं इंडियन लॉजिक एंड ऑल दीज थिंग्स, यू कैन नेवर एवर मेक अ क्वेश्चन रॉन्ग, राइट। यस, वेरी नाइस द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार हिंदी में भी देख लो, क्योंकि इंग्लिश में आंसर आने लगते हैं तो मुझे लगता है हिंदी की जरूरत नहीं है, बट देख लो। सन्निधि क्या है, तात्पर्य क्या है, योग्यता क्या है और आकांक्षा क्या है। आपकी दोस्त का नाम आकांक्षा है, सन्निधि नहीं है, योग्यता नहीं है। यह द आंसर इज डी, क्योंकि इन सब का मतलब है तात्पर्य। मतलब जब भी हम शब्द प्रमाण में हम किसी शब्द सेंटेंस को सुनते हैं, तात्पर्य मतलब आपका तात्पर्य क्या है कहने का, समझ नहीं आ रहा है, मतलब योग्यता मतलब क्या आप योग्य हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के, आपकी फिटनेस कंपैटिबिलिटी देखी जाती है। आकांक्षा, आप बायजूस एग्जाम प्रेप में आए हैं, आपकी आकांक्षा क्या है। आकांक्षा मतलब इट्स एक्चुअली एक्सपेक्टेंसी। सो किसी भी वेल फॉर्म सेंटेंस में आकांक्षा भी होना चाहिए, तात्पर्य भी बनना चाहिए, कुछ भी उलझुलूल नहीं होना चाहिए। योग्यता मतलब म्यूचुअल फिटनेस होना चाहिए। सन्निधि मतलब गैप, कितना वर्ड है, कितना गैप है आपके वर्ड्स में। जैसे मैं बोलूं स्टूडेंट्स वी विल स्टडी लॉजिकल, ऐसे मैं अगर बहुत गैप करके बोलूंगी तो आपको सुनने में मजा आएगा क्या? शब्द प्रमाण में मजा नहीं आएगा, उससे आपको नॉलेज नहीं मिलेगी, तो सन्निधि भी होनी चाहिए, ठीक है, आया समझ में? ओके, व्याप्ति, अनुमान, प्रत्यक्ष, उपमान, ऑल दीज क्वेश्चंस आर 2021 क्वेश्चंस। अगर आप कर पा रहे हो तो आप समझ जाना कि आप पेपर आराम से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 2021 का पेपर टफ था। चलो चलो चलो, वेरी नाइस वेरी नाइस, थैंक यू सो मच शाह। यस, व्याप्ति क्या है, अनुमान क्या है, प्रत्यक्ष क्या है। व्याप्ति मतलब विश्व व्यापक है ना, मम्मी का प्यार बच्चे के लिए विश्व व्यापक है। अनुमान लगाइए इस बार एग्जाम निकलेगा कि नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। उपमान लगाओ कि उपमा क्या देते हो, कि आपकी आपका जो मुखड़ा है वो चांद जैसा है, तो चांद सी महबूबा होगी कब, ऐसा मैंने सोचा था। हम उपमा देते हैं महबूबा को चांद का, है ना। सो दैट्स यू नो आई गेस आई हैव गिवन यू सफिशिएंट हिंट, ये है हिंदी में। वेरी नाइस,
वी आर डूइंग द बैकवर्ड थिंग, बैक ट्रैकिंग. मैं आपको एग्जाम्पल से थोड़ा समझा देती हूँ क्वेश्चन, ताकि आप आंसर सही कर पाओ. मैम हिंदी का क्वेश्चन पहले दिखाया करो, ये तो ना इंसाफी है, बहुत बड़ी ना इंसाफी है. कैसे करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे कि नहीं करेंगे इस चीज के लिए कि पहले हिंदी नहीं बता रहे, पहले इंग्लिश बता रहे हैं. क्या ही फर्क पड़ता है, क्या इंसाफी ना इंसाफी, पढ़ने से हमको मतलब है. यस द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, है ना. तो मैंने आपको काफी एविडेंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था. व्याप्ति मतलब क्या होता है, इट इज एक्चुअली हेतु और साध्य के बीच का रिलेशन. और आपका अनुमान क्या होता है, पहले के ज्ञान से नया ज्ञान बताना. प्रत्यक्ष क्या होता है, इट इज एक्चुअली द लाइव थिंग जो हम एग्जाम्पल से देखते हैं. एंड देन यू हैव उपमान, उपमान में होता है कंपैरिजन. क्लियर, हाँ, वेरी नाइस. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर ए प्रपोजिशन एज ट्रू एंड फॉल्स रिस्पेक्टिवली इन अ स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. अगर आपका एक प्रपोजिशन है ए जो कि ट्रू भी है और फॉल्स भी है, ठीक है, कौन सा करेक्ट होगा. अगर ए ट्रू है फॉल्स है तो ओ इज ट्रू एंड आई इज फॉल्स, ई इज एंड अनडिटरमाइंड, ओ इज फॉल्स, ओ इज अनडिटरमाइंड एंड आई इज फॉल्स, एंड आई इज ट्रू एंड ई इज फॉल्स. सो यू हैव टू जस्ट ड्रॉ दिस स्क्वायर, ठीक है, और ए ई ओ आई. यस आई नो हिंदी इज इम्पोर्टेंट, तभी हम दोनों में आपको बताते हैं, एक में तो नहीं बताते ना, हिंदी इंग्लिश दोनों है. अब पहले इंग्लिश आ रहा है, पहले हिंदी आ रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए. जल्दी से 14 का आंसर दो. ओके हाँ, इसलिए इसमें दोनों एक ही साथ हैं, कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं. द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, आई इज ट्रू एंड ए इज फॉल्स, ठीक है. सो अगर ए ट्रू है, ठीक है, यू गो डाउन विथ ट्रू, तो आई ट्रू हो जाएगा. अगर ए फॉल्स है, ठीक है, तो क्या होगा, ए फॉल्स है तो यहाँ पे बोथ कैन नॉट बी ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा, ई भी फॉल्स हो जाएगा, राइट. सो हेयर दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है. सो हेयर यू कैन एक्चुअली गिव द आंसर. ए और ओ कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं, सब कॉन्ट्ररी होते हैं, एंड यू हैव कॉन्ट्ररी एज वेल. विच आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इन्फरेंस इज यूज व्हेन वन इन्फर्स रेनफॉल ऑन द हिल्स फ्रॉम फ्लड. अगर यहाँ पे ऐसे पहाड़ हैं, ठीक है, और खूब बाढ़ आई हुई है, ठीक है, जैसे अभी पाकिस्तान में खराब हालत है, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने बाढ़ देखी और हमें लगा हाँ बहुत सारी रेनफॉल हुई है, तो ये कैसा अनुमान है. पूर्वत शेषवत समान दृष्टता समान लक्षण प्रत्यसति. अरे बाप रे, इस वर्ड को तो लॉन्गेस्ट वर्ड इन द डिक्शनरी में जाना चाहिए. क्या है, सामान्य लक्षण प्रत्यसति. बढ़िया, अगर आपने लॉजिकल रीजनिंग पढ़ लिया ना, हिंदी तो आपकी बढ़िया होने वाली है, राइट. इवन इफ यू आर नॉट दैट कंफर्टेबल विथ हिंदी, या आप सब्जेक्ट आपको हिंदी जरूर सिखा देगा. यस, इसका आंसर है शेषवत, है ना. जैसे मैंने आपको बताया था, आप आराम से सो के उठे, आप बाहर गए, आपने देखा पूरी जमीन गीली है, तो आपने गीली जमीन से पता किया कि बारिश हुई थी, तो शेष है ना. आप क्या देख रहे हो, इफेक्ट, आप इफेक्ट देख रहे हो, आपका जो इफेक्ट है वो ऑब्जर्व्ड है और जो आपका कॉज है वो अनऑब्जर्व्ड है. तो यहाँ पे भी बारिश अनऑब्जर्व्ड है, कॉज है, इफेक्ट आपने देखा, तो ये शेषवत है, ठीक है. हाँ, हमारे बच्चे जो हमसे कोर्स में पढ़े वो तो सही आंसर दे रहे होंगे, आई एम श्योर. ट्रूथ एंड फॉल्सहुड मे बी प्रिडिक्टेड बाय प्रपोजिशंस बट नेवर बाय आर्ग्यूमेंट. इन केस ऑफ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट टेक्निकल टर्म्स करेक्ट एंड इनकरेक्ट आर यूज्ड. इंडक्टिव आर इधर वैलिड और इनवैलिड बट इवैल्यूएटेड एज बेटर और वर्स. द कंक्लूजन ऑफ अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट फॉलोज फ्रॉम इट्स प्रमाइसेस नेसेसरली. आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, प्लीज मेक श्योर आप इनकरेक्ट बताओ, करेक्ट नहीं. यस यस, सो क्विकली गिव मी द आंसर फॉर 16 क्वेश्चन. मैं हिंदी इसका बताऊंगी, पहले इंग्लिश में पढ़ लो अच्छे से. हाँ, थैंक यू सो मच कुमुदिनी मोहटना. I know this is the longest word and thank you so much you wrote this for us. You are very sweet. Yes, the answer I will tell, but this is in Hindi.
वेरी नाइस. इंडक्टिव एक्चुअली हम पहले पढ़ चुके हैं, हम इंडक्टिव के लिए, डिडक्टिव के लिए वैलिड इनवैलिड यूज करते हैं, इंडक्टिव के लिए हम वीक और स्ट्रॉन्ग यूज करते हैं. बी इसमें इनकरेक्ट है. ठीक है, सो डिडक्टिव हमेशा या तो वैलिड इनवैलिड होगा, इंडक्टिव वीक और स्ट्रॉन्ग होगा. द मिडिल टर्म इज रिलेटेड टू द मेजर टर्म एज इट्स कॉज एंड इज एन एंटीसीडेंट टू इट. वी पास फ्रॉम द नॉलेज ऑफ एंटीसीडेंट कॉज टू दैट ऑफ अ कॉन्सिक्वेंट इफेक्ट. ये क्या है, देखो ये सारे क्वेश्चंस है ना, बात वही पांच चीजों की है जो हमने पढ़ा. कितने प्रकार के अनुमान है, पूर्वज, शेषवत, समान्य, उत्तदा. बट ये आपको ऐसे डरा देंगे ना क्वेश्चन पूछने में कि आप देख के डर जाओगे. तो डरने का नहीं है एग्जामिनेशन में. ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन से लड़ना और सोचना हमने पढ़ा होगा. ये दिखने में डरावना दिख रहा है, मिडिल टर्म इज रिलेटेड टू द मेजर टर्म कॉज एंड एंटीसीडेंट टू इट. अरे कुछ नहीं है, पढ़ोगे समझ में आ जाएगा. कॉज और इफेक्ट वाली चीज है. ठीक है, यस. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए, कॉज और इफेक्ट, है ना. तो हमने पढ़ा था, अगर हमने देखा है कि अभी बादल काले छाए हुए हैं, देर आर डार्क क्लाउड्स. ठीक है, डार्क क्लाउड्स हैं. हमें क्या इसमें बोला, मिडिल टर्म इज रिलेटेड टू द साध्य एज इट्स कॉज एंड इट्स एंटीसीडेंट टू इट. मतलब उस पर डिपेंड कर रहा है. अगर मैंने काले बादल देख के बोला कि आज बारिश होगी, तो मैंने क्या किया, ये मैंने पूर्व में ऐसा देखा है ना, पूर्व में देखा है कि काले बादल में बारिश होती है, तो ये इस पे डिपेंड कर रहा है, ये इस पे एंटीसीडेंट है. राइट, वी पास फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द एंटीसीडेंट कॉज टू दैट ऑफ अ कॉन्सिक्वेंट इफेक्ट. राइट, सो दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है, हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फैलसी कमिटेड, ऑल चॉकलेट इक्लेयर्स आर फैटनिंग फूड्स बिकॉज ऑल चॉकलेट इक्लेयर्स आर रिच डेजर्ट्स एंड सम फैटनिंग फूड्स आर नॉट रिच डेजर्ट. ठीक है, सो आपको बताना है ये कौन सी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल, इलिसिट मेजर, अफर्मेटिव प्रिमाइस और नेगेटिव कंक्लूजन. आपको पता है ये फैल्सी हो जाती है, ये कंडीशन हमें पता होनी चाहिए. अगर अफर्मेटिव है तो नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव है तो अफर्मेटिव नहीं हो सकता है. इसमें पहले तो बताओ प्रिमाइसिस कौन से हैं और कंक्लूजन कौन से हैं. अरे तो क्या हुआ, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं तो कंफ्यूजन ही तो दूर करना है, तभी तो क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं 2021 के. और एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझते चलो, डर के आगे जीत है. ठीक है, यू आर ईटिंग चॉकलेट एट टू ब्रूटस, अकेले अकेले आकांक्षा, गलत बात है, हमें भी खिलाओ चॉकलेट. इवन आई वॉन्ट टू ईट, अब तो मेरा मन भी कर गया. All chocolate eclairs are fattening foods because के बाद वाला confusion होता है, और some fattening foods are not rich desserts. So yes, the answer for this question is, समझ में आ गया होगा, इसका answer है D, negative premise and affirmative. दो premise हैं. All chocolate eclairs are fattening foods, ये एक premise है. ठीक है, because के बाद वाला क्या होता है, conclusion, all chocolate eclairs are rich desserts and some fattening foods are not rich desserts. ये क्या है, ये premise two है. Some fattening foods are not rich dessert. ये क्या है? इसका मतलब है negative premise और affirmative conclusion है. ठीक है? Okay. Have you stopped stealing from your parents? क्या तुमने अपने parents से चुराना बंद कर दिया है, जो तुम चुराते थे चुपचाप से पापा के जेब से, मम्मी के पर्स से? तो आप इसका आंसर क्या दोगे? Thank you so much. Chocolate दे दी इतनी सारी. I will eat after the class. Appeal to ignorance, appeal to pity. Complex question, begging the question. क्या तुमने झूठ बोलना बंद कर दिया है? क्या तुमने अपनी वाइफ पे चीट करना बंद कर दिया है? ठीक है, क्या तुमने चुराना बंद कर दिया है? बिल्कुल, ये सारे बड़े जटिल क्वेश्चन है ना. ऐसा आप बोलोगे, क्या तुमने अपने करियर के बारे में सोचा है? मुझे लगता है ये भी काफी जटिल क्वेश्चन था, है ना, अभी तक, कुछ साल पहले तक. तो ऐसा आप बोलते थे, ऐसे इमीडिएट नहीं सोचे हैं, सोचेंगे आने वाले समय में क्या करना है. तो ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं, इनका जवाब हाँ या ना में नहीं होता है. ठीक है, सो ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है. ठीक है, पिटी इग्नोरेंस आप सबको पता है. 20th क्वेश्चन, द इन्फ्रेंस व्हेन बेस्ड ऑन अ मिडिल टर्म दैट इज ओनली पॉजिटिवली रिलेटेड टू द मेजर टर्म एंड द नॉलेज ऑफ व्याप्ति बिटवीन द मिडिल एंड द मेजर टर्म इज अराइव्ड एट थ्रू द अग्रीमेंट इन प्रेजेंस. बहुत कठिन इंग्लिश यूज करते हैं ये लोग. एक तो हिंदी ऑलरेडी कठिन है और इंग्लिश भी इतनी ज्यादा लिख देते हैं कि हमें तो, हम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते डर जाते हैं कि ये हमें आएगा कि नहीं.
आएगा हमको, आराम से पढ़ो। मिडिल टर्म सिर्फ पॉजिटिवली रिलेटेड है मेजर टर्म से, ठीक है। एंड द नॉलेज ऑफ व्याप्ति बिटवीन द मिडिल एंड मेजर टर्म इज अराइव थ्रू द अग्रीमेंट इन प्रेजेंस ओनली, एब्सेंस में नहीं है। सो केवल्य अन्वयी, केवल्य व्यत्रिकी, अन्वय व्यत्रिकी, शेषवत। वेरी नाइस, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए, सबको आता है केवल्य अन्वयी, ठीक है। चलो सो ये हमने पूरे 20 क्वेश्चन सॉल्व किए। लॉजिकल रीजनिंग में 25 नहीं करवा रही, 30 नहीं करवा रही, 20 ही काफी भारी थे। ऑल गुड क्वेश्चन फ्रॉम 2021, राइट। यू कैन सी फॉर योर सेल्फ कि आपके 20 में से कितने आए, ठीक है। अभी मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगी, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन आपको मुझे बताना है कि जो डेफिनेशन है उसमें मुझे बताओ कोनोटेशन और डिनोटेशन का मतलब क्या है, कोनोटेशन और डिनोटेशन में डिफरेंस क्या होता है, मुझे सबके सब कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, ठीक है। और मुझे अपना स्कोर भी बताओगे 20 में से। यू नो दैट आई रीड द कमेंट्स, इवन इफ आई एम नॉट एबल टू रिप्लाई, आई डू लाइक योर कमेंट्स। जिसमें वो लाइक होता है सबसे पहले वो मेरा ही होता है, ठीक है। सो दैट मीन्स आई एम रीडिंग देम। मेक श्योर यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन कोनोटेशन एंड डिनोटेशन, और 20 में से कितने नंबर आए, एंड हाउ डिड यू लाइक द सेशन, मुझे कॉमेंट करके बताना। बहुत आराम से हमने धीरे धीरे सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थे। इंडियन लॉजिक भी पढ़ा, वेस्टर्न लॉजिक भी पढ़ा। दिस इज हाउ द क्वेश्चन आर आस्क्ड इन इंडियन लॉजिक नाउ। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, सो मेक श्योर यू रीड इट अगेन, एंड इसको वापस से मुझे एक बार अच्छे से पढ़ लेना अगर नहीं समझ में आया, ठीक है। सो टुडे यू कैन हैव अनदर क्लास, अभी टाइमिंग कंफर्म नहीं है, बट आपकी एक और क्लास होगी आज आईसीटी की, मैं टाइम कंफर्म कर दूंगी। तो टेलीग्राम चैनल पे मैं उसका टाइम के बारे में आपको इंटीमेशन दूंगी, तो प्लीज मेक श्योर आप वो क्लास भी अटेंड करो, या तो वो रात को होगी या तो वो शाम को होगी, ठीक है। नो आई रीड ऑल द कॉमेंट्स, और अगर डाउट होता है तो मैं उसमें रिप्लाई करती हूँ, अगर तारीफ होती है तो मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, बट आई लाइक ऑल द कॉमेंट्स, ठीक है। सो मुस्तबी नजर सुल्तान, यह आपका गलत मिसकंसेप्शन है, आपने देखा होगा पुराने वीडियोज में जाके देखो, जहां पे भी किसी बच्चे ने मुझसे कुछ पूछा है तो मैंने उसका जरूर जवाब दिया है। हाँ, अगर तारीफ हुई है तो मैं थैंक यू नहीं बोलती हूँ, ठीक है। कई बार ऐसा लगता है कि बच्चे ने बहुत ज्यादा अच्छे से लिखा है, तो आई स्टिल से थैंक यू, बट हाँ आई डो नॉट, एट टाइम्स वी डोंट हैव टाइम, बट डाउट का जरूर आंसर जाएगा आपके पास, ठीक है। यस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, लेट्स मीट अगेन फॉर द आईसीटी क्लास। जब तक ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। हैप्पी गणेश चतुर्थी वंस अगेन, सी यू सून।